मध्य प्रदेश की कटनी जिले में फैले अपराधियों का आतंक कुछ इस कदर बढ़ चुका है कि वो दिन दहाड़े बेखौफ होकर कांग्रेस नेता के बेटे से चाकूबाजी करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला आज सुबह का है, जहां मॉर्निंग वॉक में गए राज यादव के साथ छह आरोपियों ने फिल्मी स्टाइल में आकर एक के बाद एक 7 से 8 बार लगातार चाकू मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसके बाद घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने कहा कि पीड़ित राज यादव मॉर्निंग वॉक करने गए थे, तभी कुछ लोग सफेद गाड़ी में सवार होकर आए और राज यादव को 7 से 8 बार चाकू मारा, जिसकी शिकायत कोतवाली में की है। मारने वाले अजय, शनि, सागर, निषाद समेत अन्य लोग शामिल हैं। वहीं कोतवाली टीआई विजय विश्वकर्मा ने बताया, पुरानी रंजिश के चलते ग्राउंड में एक शख्स से मारपीट करने का मामला आया है, जिसमें अजय, शनि, सागर, निषाद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ 302, 324 समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। दिन दहाड़े इस कदर मारपीट करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल में ही 2 दिन पूर्व भी फॉरेस्ट ग्राउंड में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक वाहन चालक के साथ लाठी डंडे से मारपीट हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, जो जिले के कानून व्यवस्था को दर्शाता है। फिलहाल देखना अभी बाकी है कि ये सभी आरोपियों की तलाश पुलिस कब तक कर पाती है। विपिन बिलोहा ने अपने 7 साथियों को बुला के मेरे साथ मारपीट की, करीब 200 बार की है मेरे पास, लाठी से, रॉड से, पाइप से और कोई धारदार हथियार था। 3 जगह टाँके आए हुए हैं पैर पे और हाथ में मल्टीपल फ्रैक्चर है। क्या कोई पुरानी रंजिश? कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, सिर्फ वो छोटे भाई के पास मैं ऑटो उसके चलते हैं डीएवी एसीसी में, उसका पैसा लेने आया था। और विपिन बिलोहा ईटे के नाम से मेरे से पिछले फरवरी महीने से एडवांस ले रखा है, तो हमने उससे सिर्फ हिसाब करने के लिए बोला, तो हिसाब के रूप में ये हिसाब किया उसने। और 6 लड़कों के साथ हमारा ये हाथ जो टूटा है, ये सिर पे रॉड मार रहे थे उसके चक्कर में, और बाद में शराब पीने के नाम पे और पैसे मांगे, नहीं दिए तो जेब में से निकाल के चले गए। परसों रात 8:30 बजे पुलिस किसी ने 100 डायल पर फ़ोन किया था, पुलिस आई थी, पुलिस के सामने ही वहाँ पर वो लोग थे, लेकिन पुलिस ने सामने से अपने जाने दिया। और एक जाइलो गाड़ी लेके आए थे, उसमें मेरे को उठा के भर के ले जा रहे थे वहाँ पर। जाइलो में 4 लड़के थे, विपिन बिलोहा अपने एक अलग गाड़ी में था और 2 मोटरसाइकिल में 2 लड़के और, कुल 7 लोग थे। पूरी घटना पुलिस के सामने भी हो रही थी? पुलिस बाद में जब 100 डायल पे कॉल किया, उस समय पुलिस के सामने जाइलो खड़ी थी, उस जाइलो में मेरे को भर रहे थे, लेकिन पुलिस आने के बाद में उन्होंने मेरे को छोड़ दिया, लेकिन उनको जाने दिया। आपने पुलिस से सवाल नहीं किया कि मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी? मेरे ऊपर 200 वार किए हैं, करीब डंडे और रॉड से 200 वार किए हैं। आप यहाँ पे स्थिति देखेंगे तो, क्या नाम है आपका? आशीष जैन, हाउसिंग बोर्ड। घटना सुबह फॉलेस्टर प्लेग्राउंड की है, बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हैं वहाँ डेली, वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उसके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। चाकू से उसको कम से कम 7 जगह प्रहार है, सर में उसके चोट है, सिटी स्कैन कराने के लिए बोला है डॉक्टर ने, और अपराधी प्रवृत्ति के ही लोग हैं वो लोग। कब की घटना है? सुबह ये सुबह 8:30 बजे की। किनके द्वारा किया गया था? कुछ असामाजिक हैं, सागर निषाद, फूल निषाद, अजय निषाद, सनी निषाद, और भी जानकारी नहीं। कोई पुराना विवाद? पुराना किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। नाम क्या है जिनको चुटाई है? उसका नाम राज है। क्या नाम है आपका? मैं कृष्णकांत, उसका पिता हूँ। क्या जानकारी? फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में राज यादव को कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिए थे, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया। किसी का नाम आ रहा है फोन लगवाने वाले में, क्या कोई बात है? पुरानी रंजिश पर से मारपीट। कितने लोग थे सर, और किस वाहन में सवार होकर अचानक पहुंचे, और कहां की घटना है? जो फॉरेस्टर प्लेग्राउंड की है वो अभी विवेचना का में आएगा कि कौन से वाहन में गए थे, किस वाहन।
सागर निषाद, सनी निषाद, अमित अरोरा, अजय निषाद पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। क्या धारा लगा? धारा 307, 324, 294।